आज इस चुनावी सभा में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। ये मेरी पहली सभा है इस चुनाव अभियान की, इसलिए मैं विशेष तौर पर धूप में भी मौजूद होकर आप इस सभा में शामिल हुए हैं, इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज जो हमारे इस अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो ये सभा हो रही है, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बांका जिला अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी, हमारे प्रत्याशी हैं श्री जयंत राज जी जिनका चुनाव चिन्ह तीर है, हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और माननीय सांसद भाई गिरधारी प्रसाद यादव जी, जदयू के वरिष्ठ नेता जो अब तक विधायक रहे हैं श्री जनार्दन मांझी जी, जनता दल यू के बांका जिला के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रितेश चौधरी जी, महिला प्रकोष्ठ जनता दल यू बांका की जिला अध्यक्ष श्रीमती सुजाता वैद्य जी, जिला संयोजक मीडिया सेल बांका श्री पंकज कुमार दास जी, अमरपुर प्रखंड के अध्यक्ष श्री बिमल सिंह जी, शंभुगंज प्रखंड के अध्यक्ष श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जनता दल यू के प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार सिंह जी, यहां उपस्थित जनता दल यू के नेता राजीव रंजन सिंह जी, मनोज सिंह जी, अरुण राय जी, मृत्युंजय शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, जनाब जफर आलम साहब, ललन शर्मा जी, द्वारिका मिश्र जी, प्रकाश दास जी, मनीष झा जी, डोमन दास जी, शीतल मंडल जी, गणेश लाल दास जी, भारतीय जनता पार्टी के यहां उपस्थित नेतागण श्री गौतम मोदी जी, भानु मेहता जी महतो जी, श्री पंकज महतो जी, सब्बू भगत जी और अन्य सभी हमारे सम्मानित नेतागण, साथीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, आप लोगों के बीच में और इस क्षेत्र में अनेकों बार आने का मौका मिला है और आज इस चुनावी कार्यक्रम में फिर आने का मुझको मौका मिला है। आप सबको मालूम है और हमारे जितने अभी हमारे पूर्व वक्तागण हैं, इन सब लोगों ने अनेक बातों की चर्चा कर दी है, मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। और अभी जो ये फिजिकल चुनावी सभा है उसकी सीमा कम होगी इस बार, क्योंकि कोरोना के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये आप सबको मालूम है। मार्च महीने से जो बिहार में भी इसका प्रभाव आना शुरू हुआ था और इसका नामकरण हुआ कोविड-19, यानी पिछले वर्ष के अंत से ही दूसरे देश में शुरू हुआ था, ये दुनिया भर में इसका असर और हम लोगों का भी असर है, लेकिन हम लोगों ने भी इसका पूरा मुकाबला करने की कोशिश की है, लोगों की रक्षा करने की कोशिश की है, लेकिन ये अलग किस्म की चीज है। इसके बारे में अभी तक दुनिया भर में इसका अंतिम समाधान नहीं निकला, इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि हम सब लोगों को भयभीत नहीं होना है, लेकिन सजग रहना और सचेत रहना, ये काम हम लोगों को करना। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से जब लॉकडाउन लागू हो गया था पूरे देश में, हम लोगों ने किस तरह से जो बाहर में हमारे लोग फंसे हुए थे उनको मदद की, 21 लाख लोगों को 1,000 रुपये की मदद पहुंचाई, और जब केंद्र सरकार ने रेलगाड़ी के माध्यम से कोई दूसरे जगह के जहां फंसे हुए लोग थे उनको राज्यों में भेजना शुरू किया, उसका इंतजाम कराना शुरू किया, उसके बाद जो हमारे बिहार में कितनी बड़ी संख्या में लोग आए, रेलगाड़ी से 22 लाख से भी ज्यादा संख्या में लोग आए, और उसमें ऐसी जगहों पर जहां कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा था
उन जगहों से लोग जो आ रहे थे उनके लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया और उन लोगों को 14 दिन हम लोगों ने रखा। और आप जान लीजिए कि एक एक व्यक्ति पर जो हम लोग रख रहे थे उनको एक एक व्यक्ति पर 5300 रुपया 14 दिन में खर्च किया गया। तो हर तरह से हम लोगों ने कोशिश की और जांच, और अब आप देख रहे हैं कितना नीचे जा रहा। अब जांच की बात जो देख लीजिए और किस तरह से हम लोगों ने लोगों के चिकित्सा का इंतजाम हर तरह का प्रबंध किया है और उसकी जांच जो जितने बड़े पैमाने पर हो रही है, आप जान लीजिए कि पूरे देश में जो 10 लाख की संख्या पर जितना जांच पूरे देश में औसत हो रहा है उससे लगभग 3000 ज्यादा बिहार में हो रहा है। तो हम लोग एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान देने की कोशिश की है और इसके जो शिकार हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन सबों के लिए भी हम लोगों ने, उस परिवार के लोगों के लिए हम लोगों ने सीएम रिलीफ फंड से 4 लाख रुपए की मदद उनको करते हैं। तो हर तरह से जो भी संभव है कर रहे हैं, हर प्रकार का इंजाम कर रहे हैं। हम तो लोगों से यही कहेंगे और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो काम किया गया, लोगों के जांच के लिए जो मशीनरी चाहिए उन सब चीजों का इंतजाम, अनेक जगहों पर उसके लिए संस्थान के स्थापना, कई तरह की मदद जो केंद्र की तरफ से किया गया। और आप जान लीजिए जब ये किया गया तो केंद्र ने, हम लोगों ने तो जो लोग भी राशन कार्ड धारी हैं उनको 1000 रुपए की सहायता और 23 लाख से भी ज्यादा लोग जिनको राशन कार्ड नहीं था उनको राशन कार्ड दिलवाने का प्रबंध किया। ये सब काम तो हम लोगों ने किया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से नवंबर तक, आप समझिए इस साल नवंबर तक हर परिवार को, जो परिवार है उसके लिए उन लोगों ने हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त में देना और दाल पूरे परिवार के लिए 1 किलो, ये नवंबर तक दिया जा रहा है। हर लोगों को हर प्रकार से हम लोगों ने सहायता करने की कोशिश की है, केंद्र सरकार ने सहायता करने की कोशिश की है और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई सब लोगों को जागरूक रहने की जरूरत होगी, आवश्यकता इसी बात की है। और ये तो कहेंगे, और इसी के चलते जो स्थिति पैदा हो गई है, अब सीमित कार्यक्रम होता है, लोग सीमित संख्या में रह सकते हैं, ये सारी बातों के बारे में जो गाइडलाइन दिया जा रहा है आप सब जान रहे हैं। तो हर तरह से हम लोगों ने जो कुछ भी संभव है काम करने की कोशिश की है। और एक बात जान लीजिए, आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो उस काम को हम लोगों ने प्रारंभ से ही जिस तरह से किया समाज के हर तबके, और मेरा क्या सिद्धांत रहा, हम लोगों ने न्याय के साथ विकास की बात कही है प्रारंभ से। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो लोग हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल किया गया। कितना काम किया गया महिलाओं के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, सबके लिए जो काम किया गया। कहां महिलाओं को पहले कोई काम का अवसर मिलता था या उनको कोई सम्मान मिलता था, जब लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने सबसे पहले महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में। अब 3 बार चुनाव हो चुका और कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आई हैं। उसी तरह से अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण और अनुसूचित जाति को आबादी के अनुरूप और जनजाति को आबादी के अनुरूप क्रमशः 16% और 1% का आरक्षण, ये सब किया। अब कितनी बड़ी संख्या में लोग जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आए हैं, काम करने का उनको अब आगे अवसर मिला है। और महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम कितनी बात कहेंगे, समय बहुत कम है, तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया। और किस तरह की स्थिति थी पहले, कोई सड़क नहीं था, सड़कों का निर्माण, और ये आप जोड़ लीजिए कि पहले कैसी सड़कें थी और अब पिछले समय से जितना सड़कें, और हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना बनी, लगभग वो काम
90% पूरा हो चुका है और बाकी काम भी हो जाएगा और आगे अब मौका मिलेगा। आप जान लीजिए, अब खाली खाली गांव को सड़क से जोड़ने वाली बात नहीं करेंगे। हमने तो आगे के लिए अब तक जितना काम हमने किया ये सब काम तो कर दिया और पहले से ही लगातार सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और इस बार जब काम करने का मौका मिला तो हमने 7 निश्चय के अंतर्गत काम करना शुरू किया। महिलाओं को फिर सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, लोगों की पढ़ाई के लिए आप सोच लीजिए हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, इस तरह से कितने संस्थानों की स्थापना की गई है। तो एक एक तरह से हर प्रकार से लोगों के लिए जो हम लोगों ने काम किया और जितने भी हमारे जो छात्र हैं और युवा हैं उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, आगे की पढ़ाई कर सके, 4 लाख रुपए तक की सहायता, और इसके अलावे स्वयं सहायता भत्ता योजना कि अगर कोई आगे काम नौकरी खोजने के लिए कहीं भी जाना चाहता है उसको मदद देने का 2 साल तक हम लोगों ने किया, 1-1 हजार रुपया प्रति महीना, और लोगों को कि कोई काम करेगा उसको जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा तब तक कहीं काम का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की, कंप्यूटर पर काम करना सीखा, 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो एक एक तरह से संस्थानों की स्थापना, और हमने क्या कहा था, हर घर तक हम लोगों को बिजली पहुंचा देंगे, और लक्ष्य हमने रखा था 2018 का दिसंबर का और उसके पहले 25 अक्टूबर को हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। और अब लोगों को क्या सुविधा हो गई, और इसके बाद हर घर नल का जल, और आप देख लीजिए 83-84% काम हर घर नल का जल पूरा हो चुका है और ये काम तेजी से चलता चला जा रहा है। तो एक एक चीज के लिए, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक शौचालय का निर्माण, ये सारा काम, और जान लीजिए कि जितना काम किया है वो काम तो हम कर ही रहे हैं, किए ही हैं, ये काम तो पूरा होगा, लेकिन अब सिर्फ काम नहीं उसके अनुरक्षण का काम सारा किया जाएगा, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, या जितना काम कर रहे हैं। और आगे के लिए भी अब हम लोगों ने सोच लिया है कि इतना काम कर रहे हैं, ये काम तो करते जाएंगे, अब इसके आगे और आगे बढ़कर के काम करेंगे। और उसके लिए हमने अगले 5 वर्ष के लिए 7 निश्चय 2 का ऐलान किया है, और उसके अंतर्गत अब हम युवाओं को जो पढ़ा रहे हैं और ट्रेनिंग मिल रही है, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई तकनीक जो विकसित हुई है, उन तकनीकों से उनको उसको न सिर्फ परिचय उनका कराएंगे बल्कि उनकी पूरी ट्रेनिंग कराएंगे, चाहे वो पॉलिटेक्निक संस्थान हो, आईटीआई, उसमें भी व्यवस्था, उसके अलावे हर जिले में इंतजाम इसके बारे में कर रहे हैं हम लोग, हर प्रकार से एक एक चीज का, और हर प्रमंडल में इस तरह का इंतजाम करेंगे कि जितने तरह के इक्विपमेंट होते हैं सब वहां पर मौजूद रहेंगे और हर तरह की सुविधाएं लोगों को दी जाएगी, यानी नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे तौर पर लोग प्रशिक्षित हो जाएं। तो एक एक काम हम लोग करने का आगे के बारे में निश्चय कर लिया है। महिलाओं के लिए और आगे बढ़ाएंगे, अभी तो जितना काम हो रहा है, अभी हमने क्या किया, कोई भी लड़की हमारी महिला अगर पास कर जाएगी इंटर, अविवाहित है तो 10,000 रुपए की मदद देते हैं, और अगर वो ग्रेजुएट हो गई तब उसको हम लोग देंगे 25,000 रुपए की मदद। लेकिन अब हमने तय कर दिया है नए निश्चय में कि अगर कोई लड़की इंटर पास करेगी, 12वीं कक्षा पास करेगी, उनको 25,000 रुपया देंगे, और अगर वो पास कर जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएगी, उसके लिए 50,000 रुपया का इंतजाम करेंगे। और जितने भी सरकारी दफ्तर अब होंगे, हर सरकारी दफ्तर में हमने जो महिलाओं का आरक्षण किया, अब वो सब में महिलाओं की पोस्टिंग होगी। तो इस तरह से एक एक चीज को लोग देखेंगे। और उसके अलावे आपको तो मालूम है हमने कर दिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए कि अगर कोई भी उद्योग या कोई काम करना चाहेंगे उनको 10 लाख रुपए की सहायता, और उस 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए का अनुदान हम लोग देंगे,
और 5 लाख रुपया बिना टैक्स के उनको हम कर्ज देंगे। उसी तरह से बाकी जितनी महिलाएं हैं उनके लिए भी यह स्कीम लागू करेंगे। तो हम लोगों ने तय कर दिया और आप अच्छी तरह जान लीजिए, और अब आगे हमने तय कर दिया है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। आप अगर मौका दीजिएगा तो, अभी तो हमारे बता रहे थे गिरधारी जी पूरे 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 चीजों के बारे में इन्होंने बताया कि कितना सिंचाई के क्षेत्र में काम हुआ। अब आप जान लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचा देंगे। तो इस तरह से अनेक काम आगे के बारे में हम लोगों ने कर दिया है। और ये सड़कों की बात जो है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, अब सिर्फ गांव तक ही सड़क नहीं, कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए और इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। और जितने शहर हैं, जितने बाजार हैं, सब में बाईपास का निर्माण कराएंगे। अगर यहां पर बचा हुआ है न सिर्फ यहीं बल्कि पूरे बिहार में हर तरह के बाजार के बगल से बाईपास का निर्माण होगा। फ्लाईओवर जहां जरूरत पड़ेगा ऊपर से जाने के लिए उसका काम किया जाएगा। तो हम लोग एक एक चीज जोड़ लिए, एक एक गांव में जो हम लोग काम करेंगे, हर प्रकार के गांव में अब साफ सफाई के लिए इंतजाम, शहरों के लिए पूरे तौर पर, और जो भी काम हम लोगों ने करवाया है उसके अनुरक्षण का काम करवाएंगे। तो इस तरह से एक एक चीज के बारे में हमने सोच करके, कि चाहे गांव हो या शहर हो, सब के लिए हम लोगों ने सोच लिया है और एक एक काम हम लोग करवाएंगे। और एक बात जान लीजिए, गांव के बारे में एक चीज के बारे में और हम लोगों ने सोच लिया है। हम तो एक एक चीज का आकलन करते हैं, और हम तो जब भी घूमते रहे ये 8 महीने के क्वारंटाइन का, ये माफ करिएगा कोरोना का जो समय था इसको छोड़ दीजिए, सब जगह से हम लेते रहते हैं कि कहां क्या कमी है और क्या होना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने अब तय कर दिया है कि लोगों के पास जो पशु हैं उसका भी इलाज का प्रबंध पूरे तौर पर मुफ्त में होना चाहिए, और हर 8 से 10 पंचायत पर इसके लिए बनेगा अस्पताल, और उसके लिए पशु का अस्पताल, और हर गांव को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। अगर किसी के पशु का भी इलाज की जरूरत है तत्काल वहां खबर होगी और वहां से आकर के चिकित्सक उसका इलाज करेंगे या जो भी उनको सलाह देना है। तो यह सब चीज हो गया, एक एक काम के लिए हम लोगों ने यह करना शुरू किया है। तो आप अगली बार फिर से 7 निश्चय 2 बचा खर्च जितना भी काम है वो सब, और ताकि को लोगों को काम करने का अवसर मिले, रोजगार का अवसर, ज्यादा से ज्यादा पैसा अवसर मिले लोगों को। और इसके लिए हम लोगों ने जो भी प्रयास किया है, जो हमारी औद्योगिक नीतियां हैं उसमें हम लोगों ने इतना ज्यादा संशोधन किया है, जो बाहर से लोग आ गए, हम लोगों की इच्छा है कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े, लोगों को यही काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए हर प्रकार की। और इतना जो हम बता रहे हैं, नई तकनीक का ट्रेनिंग जो देंगे, नई तकनीक का ट्रेनिंग देंगे तभी वो जो यहां के बजाय दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं यही लोग काम करेंगे, और यहीं पर जो उत्पादन होगा वो सिर्फ हमारे राज्य की जरूरत को पूरा नहीं करेगा बल्कि बाहर भी यहां से लोग जाएंगे। और आप जान लीजिए, पशु एवं मत्स्य संसाधन के क्षेत्र में जो काम और तेजी से आगे करेंगे, इन सब चीजों के लिए जो नया 7 निश्चय 2 हमने तय किया है, यह आप लोगों को बता देना चाहते हैं। और अब तक हमारी दिलचस्पी काम करने में ही रही है, और एक बात हम बता देंगे, समाज सुधार में भी काम, हर जगह काम किया है, लेकिन यह बात जान लीजिए, आदमी का स्वभाव होता है कुछ ना कुछ बायां दायां करने वाला होता ही है। अब कोई बायां दायां करे वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से हम लोगों की कोशिश होती है कि हम सबके कल्याण के लिए काम करें और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम करें। हमने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की है, और हमने सेवा किया, और लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम तो इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, अब आपके पास फिर मौका आया, आप अगर मौका देंगे हम तो फिर सेवा करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं भाई
जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए मेवा चाहिए, उसी में लोगों की बहुतों की दिलचस्पी रहती है, और हम तो सेवा में दिलचस्पी रखते हैं। और अच्छी तरह जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, कुछ लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम पूरे बिहार के संपूर्ण परिवार के उत्थान के लिए हम काम करते हैं। कुछ लोग अपने लिए काम करते रहते हैं, और आप इतने दिनों से काम किया है, कहीं कोई चीज छूटा हुआ है, एक एक काम पूरा होगा, इसकी चिंता मत करिएगा, अगर मौका दीजिएगा तो। हम तो भाई सेवा ही करते रहते हैं, और आपको बता दिया कि सेवा ही करना आपका हमारा धर्म है, ये तो आप पर है। आपने इतने दिनों काम करने का मौका दिया, और नई पीढ़ी के लोगों को बताना चाहिए क्या स्थिति थी भाई। शाम के बाद पहले शाम होते होते कोई घर से बाहर निकल पाता था? क्या स्थिति थी पहले, किस तरह के का माहौल था? आज हम लोगों ने किस तरह का माहौल इकट्ठा किया, तो एक एक काम किया है। तो इसलिए हम तो यही आप सब लोगों से निवेदन करने आए हैं कि भाई काम देख लीजिए, और नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज पुरानी स्थिति बताइए, और नई स्थिति काम हुआ है, और आप फिर काम करने का मौका दीजिएगा तो बचा खुचा और बिहार सक्षम बिहार बनेगा, स्वावलंबी बिहार बनेगा, बिहार आगे बनेगा। और आप लोगों को मैं इतना ही बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बिहार की जो आमदनी का दर जो बढ़ता जा रहा है, वो अपने देश के सबसे अधिक ज्यादा बेहतर ढंग से बढ़ता चला जा रहा है। ये लोगों को ठीक ढंग से मालूम नहीं है। हमारी तो घनी आबादी है, इलाका तो सीमित रहेगा, लेकिन आबादी तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन इसके बाद भी 20% से ज्यादा आबादी बढ़ी जब से काम करने का मौका मिला। हमने तो एक एक काम किया। हम तो प्रजनन दर कम करने के लिए ही हम महिलाओं को पढ़ाना चाहते हैं। और आपको मालूम है, जब हमारी लड़कियां भी पढ़ लेंगी तो ये जो स्थिति आएगी कि आज जो बिहार का प्रजनन दर है वो बहुत नीचे जाएगा, और आगे भी विकास के लिए, और जितनी तेजी से हम लोगों का विकास हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, पूरे बिहार की आमदनी में वृद्धि हो रही है, ये सब में और बेहतर स्थिति आएगी। इसलिए हम सब लोगों से ये अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि काम को देखिए, काम को देखिए, और किसी के प्रचार के चक्कर में मत जाइए। अगर काम को देखने के बजाय किसी के प्रचार के चक्कर में गए तो उनकी तो आमदनी बढ़वा दीजिएगा, और अपनी आमदनी को पूरे पहले की तरह ही नीचे करवा लीजिएगा। यह अच्छी तरह आप लोग जान लीजिए, सोचना आपको है, और मालिक आप हैं, जनता मालिक है, हम मालिक नहीं है, हम सेवक हैं, तो हम तो सेवा करते हैं, मालिक आप हैं। आपका अगर फिर मन है कि इसी तरह से काम तेजी से आगे बढ़े तो फिर से मौका दीजिए, और एनडीए को, हमारे गठबंधन को, जो राज्य की सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार का जो सहयोग मिल रहा है, ये सब मिलकर के बिहार को विकसित प्रदेश के रूप में परिणत करेंगे। यही आप सबसे आग्रह है, और आप सबसे निवेदन करेंगे कि हमारे उम्मीदवार भाई जयंत राज जी को विजयी बनाइए, उनको विजयी बनाइए, इनको वोट दीजिए। तीर छाप का और 28 तारीख को वोट है। जो तीर छाप है उसके ठीक बगल का, उसके सामने का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइएगा। अरे भाई, तो ये बताइए कि हमारे जयंत राज जी को विजयी बनाइएगा, हाथ उठा के बताइए, तो इनको हम माला पहना दें। तो आपसे इजाजत लेकर के हम पहना दिए हैं, अब इस बात का ध्यान रखिएगा। यही कहते हुए अभी अनेक जगहों पर भी मुझे जाना है, मैं देख रहा हूं कि यहां से निकलने का समय मेरा पूरा हो चुका है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर, आप सब यहां सुनने के लिए इकट्ठा हुए, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं,
और जो सेवा है उस पर ध्यान देकर के आप अपना निर्णय लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।